हेलो फ्रेंड्स, ओपन योर वैल्यू एजुकेशन टेक्स्ट बुक एंड गो ऑन पेज नंबर 21। डियर फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग अवर फोर्थ लेसन एंड दैट इज फेलो फीलिंग। इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन मीनिंग ऑफ वर्ड फेलो फीलिंग। फेलो फीलिंग मीन्स टुगेदरनेस। वॉट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फेलो फीलिंग? फेलो फीलिंग मीन्स टुगेदरनेस। जो एकता की भावना है, दूसरों के दुख को अपना दुख मानने की जो भावना है, उसे कहते हैं सहानुभूति, मीन्स फेलो फीलिंग। वेन वी ऑल्सो सीन दैट वन एग्जाम्पल, वेन इंडिया विंस क्रिकेट मैच वी सेलिब्रेट एट अवर होम। इवन वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट मैच, वी आर नॉट प्लेइंग इन दैट मैच, देन ऑल्सो वी सेलिब्रेट दैट विक्ट्री एट अवर होम। जब इंडिया क्रिकेट मैच विन करती है, उस वक्त हम उस मैच का पार्ट नहीं होते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते, फिर भी हमारे घर पे हम इंडिया मैच विन होने पर सेलिब्रेशन करते हैं। एंड व्हेन वी लिसन एनी टाइप ऑफ फियरसम इवेंट इन द न्यूज़, वी फील सैड और वरिंग। और जब कोई दुखद घटना हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं, जैसे इंडोनेशिया का अर्थक्वेक है या जापान की सुनामी है, कहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट है, तब हम दुखी होते हैं, हमें चिंता होने लगती है। हम उससे अगर उस विपत्ति में फंसे भी नहीं हैं, दूसरे लोग उसमें हैं, फिर भी हमें दुख महसूस होता है। ये सब क्या है? दिस इज कॉल्ड फेलो फीलिंग, मीन्स दूसरे के दुख को अपना दुख मानना और दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढना, इसे कहते हैं फेलो फीलिंग। एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेसन, वन फेमस लाइन ऑफ फेमस पोएट नरसिंह मेहता गिवन हियर, वन हु कंसिडर्स अनादर सोरो एज वंस ओन इज ट्रूली नियर गॉड। इन हिंदी मीन्स, वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जानी रे। दिस वॉज द फेमस भजन ऑफ महात्मा गांधी विच इज रिटन बाय नरसिंह मेहता। उनकी एक लाइन दी थी। दिस फेलो फीलिंग लेसन वी आर स्टडिंग, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी वन स्टोरी। दिस स्टोरी मीन्स एक्चुअली अ कन्वर्सेशन बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड मदर्स नेम इज सकुमाई एंड हर ग्रैंड डॉटर्स नेम इज निवेदिता। सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, वट विल हैपन इन स्टोरी। ओके फ्रेंड्स, टाइम टू रीड। फिनिशिंग अवर रोड्स टूगेदर। Grandmother was sorting out several newspaper cuttings she had gathered over the years. Nivedita, her 13 years old granddaughter, couldn't contain her curiosity. Grandma, she queried, what's absorbing you so much? I see you gazing at some pictures for a long while. Ek subah thi jis din grandmother kuch newspaper ke cuttings jo unhone saalon pehle ikatta kiye the unko देख रहे थे, बड़ी गौर से देख रहे थे, तो उनकी 13 इयर्स की एक पोती है, ग्रैंड डॉटर है, जिसका नाम है निवेदिता। उसको उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि ग्रैंडमा ये क्या कर रही थी। उसने क्वेश्चन पूछा, ग्रैंडमा व्हाट्स ऑब्जर्विंग यू सो मच, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग। सी व्हाट हैपन्स देन, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। ग्रैंडमा सकुबाई ऑलवेज हैड सम इंटरेस्टिंग एनेक्डोट or the others, her sleeve, a great storyteller that she was. और grandma के पास हर एक बात के लिए कुछ answer था, वो एक अच्छे storyteller थे grandma। अभी वो क्या कहते हैं देखिए, listen to me, my memory runs back several years when I was in school and great leaders led by Mahatma Gandhi were fighting for the freedom of our country. What is the name of our country? India. Every day we say it in your pledge, India is my country. But before 1947, our India, our country was in slavery of British. It was in British rule. And after many sacrifices of freedom fighters and revolutionaries, we got freedom on 15th August 1947. So grandma is telling story of हर चाइल्डहुड। अभी निवेदिता को ग्रैंड माँ, जिनका नाम सकुबाई है, वो अपने बचपन की स्टोरी बता रहे हैं। तब क्या था कि गांधी जी के लीडरशिप में
फ्रीडम के लिए फाइटिंग हो रही थी। इंस्पायर्ड बाय हिज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी हैड रिटर्न टू इंडिया डिटरमाइंड टू फाइट एवरी ब्रीथ ऑफ हिज फॉर द कंट्रीज फ्रीडम। इंडिया में आने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह का आयोजन किया था। अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंस दे कन्फर्म दे फिक्स दैट वी विल ऑल्सो अरेंज सत्याग्रह एंड फ्रीडम मूवमेंट इन अवर कंट्री ऑल्सो। उन्होंने फिक्स किया, कन्फर्म किया कि जिस तरह से अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का आयोजन किया, ठीक उसी तरह से इंडिया में भी फ्रीडम के लिए हम मूवमेंट का आयोजन करेंगे, ऐसा उन्होंने फिक्स किया। टू इम्पोर्टेंट वुमेन वेर टॉक अबाउट हाईली, कस्तूरबा गांधी एंड विलियमाई, दे वेर फॉन्डली कॉल्ड बा एंड अम्माई। और उस वक्त के दो महिला के बारे में अभी दादी माँ बता रहे हैं ग्रैंड माँ निवेदिता को, जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी। हु वॉज कस्तूरबा गांधी? कस्तूरबा गांधी वॉज वाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उनके पत्नी थे। एंड विलियमाई, अभी देखेंगे विलियमाई क्या है, उनको बा, कस्तूरबा गांधी को बा एंड विलियमाई को अम्माई कहा जाता था। निवेदिता मूव क्लोजर टू हर ग्रैंड मदर। आफ्टर लिसनिंग दिस, निवेदिता मूव क्लोजर टू हर ग्रैंड मदर। निवेदिता इतनी स्टोरी सुनने के बाद दादी के और पास गई। बोथ वुमेन वेर इंडियन बट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। दोनों भी, जो कस्तूरबा गांधी थे और विलियमाई, दोनों भी इंडियन थे। कस्तूरबा वॉज द वाइफ ऑफ गांधी जी, देन अ यंग प्रॉस्परस लॉयर। लॉयर मीन्स वकील, एडवोकेट। विलियमाई वॉज अ 16-year-old गर्ल हुज पेरेंट्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका बाय द वाइट रूलर्स एज इंडेंचर्ड लेबर। और कस्तूरबा गांधी जी थे एक लॉयर थे, वेल क्वालिफाइड थे, प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जो अनादर लेडी है जिनका नाम विलियमाई है, वो 16-year-old गर्ल थे और जिनके पेरेंट्स को इंडिया से साउथ अफ्रीका इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर लेके गए थे। कस्तूरबा एंड विलियमाई बोथ थ्रू देमसेल्व्स इनटू द एरेना इन द फाइट फॉर फ्रीडम्स। और दोनों ने भी क्या किया, देश के स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सोचा। ग्रैंड मा, आई कांट अंडरस्टैंड इंडेंचर्ड, व्हाट डज इट मीन? अभी निवेदिता की क्यूरियोसिटी ने क्वेश्चन पूछा कि दादी माँ आपने बताया कि उनको इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर अफ्रीका लेके गए, लेकिन मुझे उनका उसका मीनिंग नहीं समझ में आया। अभी दादी माँ क्या कहते हैं देखिए, इट मीन्स निवेदिता डियर, एक्सप्लेन ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ ने अभी एक्सप्लेन करने लगे कि इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है। दे वेयर बॉट ऑफ ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द ट्रेडर्स हु सेंड देम टू लैंड्स फार अवे फ्रॉम देयर होम्स वेयर दे वेयर ट्रीटेड एज स्लेव्स। ग्रैंडमा ने बताया कि इंडेंचर्ड लेबर मतलब क्या होता है, कि ऐसे मजूर, ऐसे लेबर जिनको ज़बरदस्ती कुछ पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट करके अपने देश से दूर किसी देश में जहाँ पर फैक्ट्रियाँ है, जहाँ पर खेती है, उनको बहुत ही कम पैसों पर काम के लिए भेजा जाता था। और स्लेव्स में मतलब गुलाम, और उनकी लाइफ गुलामों जैसी थी, कोई भी राइट्स नहीं थे, पैसा भी बहुत कम दिया जाता था ऐसे मजूर। साउथ अफ्रीका वॉज वन सच प्लेस, लॉज वेयर पास टेकिंग अवे एवरी राइट ऑफ देयर्स, द लॉस ऑफ फ्रीडम एनरेज द इंडियन कम्युनिटी। गांधी जी गेव अप हिज प्रैक्टिस एज लॉयर एंड गेव हिज कॉल टू सत्याग्रह। इस तरह का जो अत्याचार है ब्रिटिश रूलर्स के माध्यम से इंडियन लोगों पर होता था, यहाँ से लोगों को एज इंडेंजर्ड लेबर साउथ अफ्रीका और अदर कंट्रीज़ में भेजा जाता था, जिसका मुआवजा उन्हें बहुत ही कम दिया जाता था, और वहाँ पर उनको स्लेव जैसा बर्ताव मिलता था, गुलामों जैसा। तो गांधी जी ने क्या किया कि इन सब लोगों को सुधारने के लिए, उनकी अवस्था सुधारने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, और उन्होंने अपने जो लॉयरशिप थी वो छोड़ दी। गिव अप मीन्स छोड़ना। कस्तूरबा ज्वाइन हिम प्रूविंग हिम हर सेल्फ एंड इक्वल इन डिटर्मिनेशन एंड इंस्पायरिंग द वुमन फोक टू ज्वाइन इन। और इस काम में उनके जो मिसेस थे, वाइफ थे कस्तूरबा गांधी, वो भी ज्वाइन हो गए। विलियमाई वॉज वन ऑफ देम, उसमें विलियमाई भी थी।
they were arrested and became partners in the Maritzburg jail. Maritzburg jail में उनको डाला गया. जब सत्याग्रह का आयोजन किया तो उनको उस काम के लिए राजद्रोह के तौर पर उनको जेल भेजा गया. साथ में कस्तूरबा गांधी जी थे और विलियम आई भी थे. ग्रैंडपा हु सीम्ड एंग्रोस वर्किंग ऑन द डेली क्रॉसवर्ड पजल सडनली लुक्ड अप. अब तक कौन बोल रहा था? निवेदिता एंड हर ग्रैंडमदर सकुबाई सकुमा. ओके नाउ ग्रैंडपा व्हाट इज टेलिंग ग्रैंडपा सकुमा ही सेड सॉफ्टली. ग्रैंडपा वहां पर ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जहां पर ग्रैंडमदर अपने ग्रैंड डॉटर निवेदिता को पुरानी स्टोरी बता रहे थे फ्रीडम फाइटिंग की. उस वक्त ग्रैंडपा जो कि न्यूज़पेपर में पजल सॉल्व कर रहे थे तो उन्होंने ग्रैंडपा से कहा सकुमा ही सेड सॉफ्टली. क्या कहते देखिए टेल द चाइल्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. क्या करो आप कि नेशनल फ्लैग हमारा जो है तिरंगा उसकी थोड़ी स्टोरी निवेदिता को बताओ. ऐसा दादाजी ने दादी माँ को कहा. सडनली ग्रैंडमा लुक्ड वेरी सीरियस एंड समवॉट एजिटेटेड. और इतना सुनने के बाद ही ग्रैंडमा एकदम सीरियस हो गई गंभीर हो गई. वन ऑफ द ऑफिसर्स और बताने लगे वन ऑफ द ऑफिसर्स एरोगेंट एंड डिफिएंट चैलेंज द क्राउड विच हैड गैदर ऑन द ग्राउंड इन प्रोटेस्ट. और विरोध के लिए यहाँ पर नीचे पिक्चर भी दिया है प्रोटेस्ट करने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए थे. तब क्या होता है देखो एक एरोगेंट ऑफिसर था ब्रिटिश ऑफिसर था वो क्या कहता है यू देयर यू कॉल योरसेल्फ इंडियंस यू हैव नो कंट्री ऑफ योर ओन नॉट इवन अ नेशनल फ्लैग ही सीम टू हैव. उसने कहा आप खुद को ये ब्रिटिश ऑफिसर है एरोगेंट ब्रिटिश ऑफिसर. उसने कहा कि आप खुद को इंडियंस मानते हो इंडियंस कहते हो आपको न तो देश है न ही खुद का नेशनल फ्लैग है. अभी देखिए आगे क्या होता है. ऐसा उस एरोगेंट ऑफिसर ने कहने के बाद आगे क्या होता है. बट वी हैव अ नेशनल फ्लैग ग्रैंडमा एक्सप्लेन निवेदिता. अभी इतना सुनने के बाद निवेदिता को पता नहीं था तो निवेदिता छोटी है 16 ईयर की है तो उसने कहा ग्रैंडमा हमें तो नेशनल फ्लैग है तिरंगा है हमारे पास. अभी ग्रैंडमा कहते हैं नॉट देन लेकिन तब नहीं था आज है हमारे पास. हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रहते हैं वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक इंडियन इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया सो वी हैव नेशनल फ्लैग अवर नेशनल फ्लैग एंड नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लैग इज ट्राइकलर तिरंगा. नॉट देन तब नहीं था आंसर ग्रैंडमा. विलियम आई फेल इन हेल्थ आफ्टर द प्रिजन टर्म बट डीपली हर्ट रोज लाइक एन एंग्री टाइग्रेस. फ्लैग शी स्नीर्ड एट द ऑफिसर हेयर इट इज. सो सेंट विलियम आई टोर अ ब्रॉड लेंथ ऑफ हर सारी फ्रॉम इट्स ओपन एंड एंड हेल्ड इट अप. और उस ऑफिसर का इतना सुनने के बाद क्या बोला था कि आप इंडियंस मानते हो खुद को आपको आपका देश नहीं है आपका ध्वज नहीं है तिरंगा नहीं आपके पास राष्ट्रध्वज नहीं है और खुद को इंडियंस कहते हो आप. इतना सुनने के बाद विलियम आई जो कि प्रिजन में डालने के बाद थोड़ी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो भी उस सत्याग्रह में थे तो वो क्या कहते हैं ध्वज नहीं है कौन कहता है. फ्लैग शी स्नीर्ड एट ऑफिसर हेयर इट इज यहाँ पर है. और ऐसा कहते ही उसने क्या किया अपनी जो साड़ी थी खादी की उसने एक छोर से दूसरे छोर तक उसका एक टुकड़ा फाड़ा अपने साड़ी का सारी का. ग्रैंडमा पॉज एंड गेव अ चार्मिंग स्माइल. और इतना कह के ग्रैंडमा थोड़े रुके और हंसकर उसने निवेदिता की तरफ देखा. गेस हाउ द सारी लुक. और सोचो उसने निवेदिता से कहा सोचो वो सारी कैसे होगी. शी आस्क्ड द ग्रैंड डॉटर हु बिगेन थिंकिंग डीपली. और निवेदिता से सोचने लगी कि सच में सारी कैसे होगी कैसा होगा पहला ध्वज हमारा. ड्रॉइंग हर क्लोज ग्रैंडमा विस्पर्ड. और उसको निवेदिता को और पास लिया अपने गोदी में लिया और उसके कान में कहा इट हैड ऑरेंज एंड ग्रीन ऑन वाइट. खादी बैकग्राउंड क्या था ऑरेंज एंड ग्रीन ऑन वाइट खादी बैकग्राउंड. ऑरेंज कलर ग्रीन कलर वाइट कलर में के बैकग्राउंड पर था खादी के. निवेदिता फेस बीम्ड. और इतना सुनने के बाद निवेदिता को बहुत ही खुशी हुई उसका जो फेस है वो चमकने लगा बीमिंग करने लगा. शी गेव हर ग्रैंडमा अ टाइट हग. और ये जो पैट्रियोटिक बातें सुनने के बाद निवेदिता भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी. ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर है और
दादी माँ की ये बात सुन के उसने उसको गले को लगाया दादी माँ को निवेदिता ने। फेलो फीलिंग ब्रॉट कस्तूरबा एंड विलियमाई टुगेदर। ये जो सहानुभूति की भावना है, दूसरों के दुख को अपना दुख मानने की भावना, हम सब स्लेवरी में थे, लेकिन जो सत्याग्रह में कौन था, कस्तूरबा एंड विलियमाई, दोनों का जो एम है वो एक था, देश की स्वतंत्रता, और दूसरों के दुख को अपना दुख मान के वो एक जगह पर आए, एक हुए। दे ट्रैवल द रोड टू फ्रीडम इन अ कंट्री नॉट देयर ओन। और जो उनका देश नहीं था, अफ्रीका जैसा देश, वहाँ पर वो एक जगह पर आए फ्रीडम के लिए। इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ ऑनर्ड देम एज वुमेन ऑफ मेटल। और स्वतंत्रता के बाद उनको वुमेन ऑफ मेटल के गौरव से नवाजा गया। दे आर द सिम्बल्स ऑफ मदर इंडिया। और कस्तूरबा गांधी जी एंड विलियमाई, ये जो है वो क्या है, मदर इंडिया के सिम्बॉल है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया वो एक बहुत ही, क्या कह सकते हैं, इम्प्रेसिंग वर्क था। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टोरी ऑफ कस्तूरबा गांधी एंड विलियमाई, हु इज टेलिंग स्टोरी ग्रैंड मदर नेम सकुमा, शी इज टेलिंग स्टोरी टू हर ग्रैंड डॉटर निवेदिता। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस लेसन, दिस स्टोरी। व्हाट डज इंडेंचर्ड लेबर मीन। इंडेंचर्ड लेबर का मीनिंग क्या होता है, बीइंग सोल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड कंपल्सरीली सर्विंग द पर्सन ट्रीटिंग देम एज स्लेव्स। कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरों को कंपल्सरी काम करने के लिए लगाना और उनको क्या किया जाता था, गुलाम जैसे जो बर्ताव है वो उनके साथ किया जाता था, मीन्स इंडेंचर्ड लेबर। ओके, व्हाई डिड गांधी जी गिव हिज कॉल टू सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह को कॉल, सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉज इम्पोज बाय द वाइट रूलर्स। वाइट रूलर्स ने, ब्रिटिश लोगों ने जो रूल्स बनाए थे उनके अगेंस्ट विरोध प्रकट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह का आयोजन किया था। What do the terms ba and amai signify when addressing women in India? India के women को जो ba और amai कहते हैं वो क्या signify करता है, क्या address करता है women के बारे में, कौन सा relation बताता है, mother, it shows mother relationship। okay, then fourth, why did Williamai feel insulted at the remark made by one of the officers? What did she do as a reply? जो विलियमाई थे उनको इंसल्ट कब लगा उन ऑफिसर के सामने, और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया उस ऑफिसर को, क्या दिया, विलियमाई फेल्ट इंसल्टेड बिकॉज द ऑफिसर सेड दैट इंडियंस नाइदर हैड अ कंट्री नॉर इवन अ नेशनल फ्लैग टू कॉल देयर ओन। उनको न तो खुद का राष्ट्र है, देश है, न ही राष्ट्रध्वज है। इन रिस्पॉन्स टू हर, ब्रॉड लेंथ ऑफ हर ऑरेंज एंड ग्रीन साड़ी ऑन वाइट बैकग्राउंड फ्रॉम इट्स ओपन एंड एंड हेल्ड इट अप एज फ्लैग एंड सेड दैट इट वॉज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, सो शट हिम अप। और उसने कहा कि अपनी जो साड़ी है उसके एक छोर से दूसरे छोर तक फाड़ा और उसको कहा कि ये है हमारा इंडिया का ध्वज। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अवर स्टोरी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अनदर स्टोरी एंड दैट इज बियॉन्ड फ्रंटियर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।